अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई है, जिस दौरान ताल कटोरा स्टेडियम में जुटे 1,000 से ज़्यादा संतों ने दिसंबर में ही राम मंदिर का काम शुरू करने का ऐलान कर डाला, जिसमें राम मंदिर का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। धर्मादेश संत महासम्मेलन नाम से 125 संप्रदायों की इस 2 दिनों की बैठक में राम मंदिर न्यास के सदस्य रामविलास वेदांति ने कहा कि आपसी सहमति से दिसंबर से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बनना शुरू होगा। अगर मुस्लिम चाहें तो लखनऊ या कहीं और मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन वो खुदा की मस्जिद होगी, बाबरी मस्जिद नहीं होगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने वेदांती के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के शीत सत्र में कानून लाकर मंदिर निर्माण की राह खोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद की साध्वी प्राची ने भी 6 दिसंबर को मंदिर का शिलान्यास बड़ी धूमधाम से करने की बात कही। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर धूमधाम से बने। 6 दिसंबर की जो घोषणा हो रही है, संतों को अल्टीमेटम दे देना चाहिए। 6 दिसंबर में हमने ढांचा तोड़ा, 6 दिसंबर में ही हमें शिलान्यास करना है। अयोध्या के अंदर हिंदुस्तान के हिंदुओं को बुलाओ, राम मंदिर की घोषणा करो, किसी की जरूरत नहीं, राम मंदिर बन जाएगा। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।